जर्नल में लिखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर शुक्र को सेंटेंस लिखना मत, सिर्फ इन एस्ट्रोलॉजी शुक्र रिप्रेजेंट ऐसे करके लिखिए, हस्बैंड एंड वाइफ। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए शुक्र रिप्रेजेंट सासू माँ, सॉरी पत्नी, सासू माँ तो चंद्रमा होता है, ठीक है ना, वाइफ लिख लेना इसमें। शुक्र और चंद्रमा, आपने कहा जो कल क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग, ये चंद्रमा सास, वो आपका क्वेश्चन है ये ना, कल जो है मदर से नहीं बनती या जिनसे भी नहीं बनती, ये जो शुक्र है हमारा ये वाइफ का कारक होता है, या और अपोजिट कुंडली में हस्बैंड का कारक होगा और चंद्रमा माँ की कारक होगी, ठीक है। अगर हमारी जो है वाइफ की अगर मदर से नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा का रोल डिस्प्यूट में होगा, ठीक है। और आप उनके सन है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, चंद्रमा के साथ तो पुत्र कौन है यहाँ पर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि आपके पुत्र जो है सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, ठीक, और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माँ को। तो कई बार पूछते हैं ना सास और माँ में नहीं बन, सासू में और वाइफ में नहीं बन रही है, ये क्वेश्चन होता है यहाँ से, तो इन दोनों का करेक्टर में भी आएगा नहीं, तो भी आप इसकी मित्रता जानोगे। ये वैसा वैसा लड़कियों के लिए हो जाता है। हाँ जी, तो 90% केसेस में गड़बड़ी रहते होंगे तो क्या 90% में इसलिए गड़बड़ है ना, आप देखो ना चंद्रमा कितनी फास्ट चलता है, चंद्रमा कितने दिन रहता है एक राशि में, सवा दो दिन, कहीं ना कहीं जाके तुरंत ही कनेक्शन बना लेता है, ठीक है ना, इतने दो दिन सही रहोगे दो दिन बाद कनेक्शन बना लेगा, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, दोनों के उपाय कराने पड़ेंगे, अलग रखो। आगे लिखिए, देखनी पड़ती है सर, एक से इसको शुक्र में अंदर लिखिए, सेक्सुअल लाइफ, कंप्लीट मैरिज लाइफ, सांसारिक भौतिक सुख, इसमें चाहे लग्जरीज गाड़ियां हैं, बहुत मकान दुकान, जो भी सुख है भौतिक सुख है वो शुक्र रिप्रेजेंट करेगा, और आगे अब इसके अंदर आइए अगले पॉइंट में, प्रोफेशन, तो सारा मैरिज का ही है इसमें या फिर लव, सब नहीं, लव भी है, सब कुछ है, ऑल एवरीथिंग कवर्ड है। हाँ, मतलब सारे सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन देता है ज्यादातर ये क्या बनाता है, म्यूजिशियन, एक ही वर्ड में निपटा दो ना, फिल्म इंडस्ट्री लिख के सब कुछ है उसमें, म्यूजिशियन भी है, गायक, सिंगर, एक्टिंग, सिनेमा, सब कुछ है, ऑल एवरीथिंग कवर्ड फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा, हाँ वो इन चीजों में बिलीव करता है, गाने बजाने आगे बढ़ेगा, हाँ इन लाइनों में जाएगा। लिखिए ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, रतन और सुनार गला, ज्वेलरी में भी जा सकता है। आगे लिखिए मिठाई की दुकान, इसमें भी लिखना टेक्सटाइल, चंद्रमा में भी लिखवाया था टेक्सटाइल, यहाँ भी लिखा जाएगा टेक्सटाइल, ठीक है, और इसमें भी लिख लेना वो ड्राई फ्रूट्स, और आगे क्या लिखोगे, होटल बिजनेस, ओएजी रूम सर्विस, ओएजी कोई होटल सर्विस है, सब इसी के अंदर आएगा प्रोफेशनल। अब आइए आगे एजुकेशन के अंदर, सबसे पहले लिखिए केमिस्ट्री का कारक है, आगे लिखिए कंप्यूटर का भी कारक है, बुध एंड शुक्र दोनों कंप्यूटर के कारक होते हैं, वो सिर्फ आईटी में कनेक्ट करता है, पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएगा वो शुक्र से जाएगा, क्योंकि आईटी लाइन में भी तो बहुत सारी ब्रांचेस है ना। आगे लिखिए ये क्या बोलते हो आप इसको, ये पशु पालना और डेरी फार्म्स एंड फार्मिंग्स, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ। आपका एजुकेशन और प्रोफेशन मैच करना चाहिए ना वैसे, या नहीं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, आप जो प्रोफेशन जो एजुकेशन ले रहे हो वो आपका प्रोफेशन बन जाए, कोई जरूरी नहीं, बहुत अलग, क्योंकि अलग है इसमें काफी। अब जैसे इसमें डेयरी ड्राई फ्रूट्स बोला मैंने, तो वो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड से, मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड हो रहा है। अब कोई पूछने लगे जी मैं, मुझे सब्जी उगानी है,
सब्जी उगाने के लिए हमें क्या देखना होगा, शुक्र को देखना होगा, उसमें पूरा कंप्लीट है। मान लो आप दूध की बात करते हो, डेयरी फार्म की बात करते हो, शुक्र और चंद्रमा दोनों को देखना होगा। हम खाली क्या करते हैं, सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं, जो प्रोड्यूस मतलब इसमें कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक प्लेनेट कभी कुछ नहीं करता, दूसरे प्लेनेट के बिना हेल्प से काम हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको रियल स्टेट ब्रोकर बनना है, तो सिर्फ खाली मंगल अकेला कुछ नहीं करेगा, मंगल और शनि दोनों को देखना है। और वो कहीं मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, फिर शुक्र के पास जाना पड़ेगा, तो फिनिश गुड कौन करके देगा। ये पूछेंगे कि प्रोफेशन आप कुछ और बता रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग करके आईएएस ऑफिसर नहीं बनता, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। इंजीनियरिंग कर रहा है, अलग अलग हो सकता है, आईएएस ऑफिसर बन गया, मतलब जैसे किसी ने पढ़ाई किसी चीज की करी और वो कुछ और बन गया। हां एग्जैक्टली, बिल्कुल। पढ़ाई भी ये भी जाता है, कई बार पेरेंट्स धक्का दे देते हैं, इंजीनियरिंग करा दे, इंजीनियरिंग करा दे, और इंटरेस्ट नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा फार्मूला ये है, ऐसा क्यों होता है लिख लीजिए, अब नोट करके बात छेड़ दी है। केतु जिनके सेकंड हाउस में होता है वो लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं, प्रोफेशन कुछ और बनता है। राहु केतु का प्रभाव है, ओनली केतु, ओनली केतु सेकंड हाउस, केतु इन सेकंड हाउस, ऐसे लिख लीजिए आप अभी, केतु इन सेकंड हाउस। उन लोगों की एजुकेशन कुछ और होती है, प्रोफेशन कुछ और होता है। अगर से उसमें केतु और राहु हो जाए तो सेकंड केतु राहु को तो एक जैसा नहीं, सब तो नोट कर लो, सिर्फ केतु के लिए केतु और अंग ग्रह। हमने केतु का ऐसा रोल देखा है, एक लड़के ने MBBS करी हमारे साथ के ने, ठीक है ना, और आज वो चांदनी चौक में ना उनकी कपड़े की दुकान खोल के बैठा है। केतु इतना अपन मेरी लाइन देख लो, मैं आईटी से करके वहां बैठा हूँ, खूब जो है वो उसमें एमसी करा है, पीएचडी कर लिया आईटी से, पर प्रोफेशन नहीं बनाया उस ऊपर, जबकि वो सारी लाइन टच है मेरी, उसके बिना सारा कुछ मैं अधूरा हूँ, पर फिर भी प्रोफेशन ये बना लिया। ऐसा होता है, मेरा भी केतु सेकंड हाउस में। आगे क्या लिखवा रहा था ना, जो भी हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन लेंगे, जब म्यूजिक की लें, चाहे वाद्य यंत्र की लें, वाद्य यंत्र मायने वो पियानो बजाना, जो भी एक्सपेक्टेड है वो उसके लेंगे, वो इसी के अंदर आएगा। गायनोलॉजी इसी के अंदर आएगा, गायनोलॉजी की गायनोलॉजिस्ट होता है। अब डॉक्टर के अंदर ब्रांच है स्पेशली, अगला लिखिए डिजीज। लिखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गर्भाशय से रिलेटेड, अमाशय और गर्भाशय से रिलेटेड, स्टमक, हाँ हाँ शुक्र मैं बताता हूँ, इसमें गलत लिख रहा है बुक में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, अमाशय गर्भाशय स्टमक, हाँ। दूसरा लिखिए जो है इसके अंदर जो है गुप्त रोग आएगा। गुप्त रोग का मतलब हो गया साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के जितने भी रोग आएंगे, ठीक है। और अगला इसमें आएगा जो है यूरिनरी से रिलेटेड, ठीक नहीं वो पहले ठीक है, पहले ठीक होगा, आप बुक में गलत देगा, मैं पढ़ रहा था कि वो शुक्र से नहीं मैच कर रहे। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, जो आपको बार बार संतान वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आप इसमें पूर्व क्लियर कट लिख लीजिए, मतलब इसको अभी ये समझ लीजिए सेक्सुअल प्रॉब्लम में आ गए संतान ना होना, ये प्रॉपर एक टॉपिक है और चैप्टर में बताया भी जाएगा। कई बार कुछ लोगों को संतान में प्रॉब्लम होती है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा सी से कंसीव नहीं हो रहा, वो सारा कुछ इसी के अंदर होता है, शुक्र के अंदर ही, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक जिनको एक ये भी एक बीमारी है फिगर मेंटेन, ये भी एक बीमारी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको रहती है कि फिगर मेंटेन की, वो शुक्र के अंदर ही होता है। जो लोग बार बार अपने फिगर के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयाँ खा जाते हैं कि भाई नहीं मेरा वेट बढ़ गया, कुछ और खा लिया, अब किसी को कुछ घटाना फिर खा लिया, तो फिगर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुक्र वालों को रहती है, ठीक है। अब क्या क्या बॉडी मास में क्या रिप्रेजेंट करता है, सर ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, लोअर एब्डोमेन, लेफ्ट कान, लेफ्ट कान,